नमस्कार गुड आफ्टरनून टू यू ऑल कैसे आप सभी लोग तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाइए और सुबह सात बजे के पश्चात दोबारा आप सभी के साथ में उपस्थित हूँ दोपहर तीन बजे ठीक है ना और आज से अड़सठवीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करते हुए हम करेंट अफेयर करने वाले हैं ठीक है ना तो जैसा कि मैंने सुबह की कक्षा में ही आप सभी को बताया था कि इस कक्षा के अंतर्गत पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर हम कवर करने वाले हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो चाहे साइंस हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर्यावरण परिस्थितिकी इंटरनेशनल रिलेशन बिहार राज्य विशेष हर एक क्षेत्र को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं ठीक है ना तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएँ और साथ ही साथ जो जहाँ कहीं भी जुड़े हों एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आज पहली कक्षा है और पहली कक्षा की प्रचार प्रसार करने की ज़िम्मेदारी है वो आपकी हो जाती है है ना जहाँ पर जनता होती है वहीं पर बहुमत होती है तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिएगा चलिए आशु जी बोल रहे हैं मुझे लगा क्लास नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है चूँकि क्लासेज़ इतनी एग्ज़ाम इतनी है यहाँ पर ढाई के आसपास स्टूडियो है और हर एक स्टूडियो जो है बुक है तो इससे पहले तीन बजे तक जो क्लास चलने वाली थी वो दो चार मिनट ज्यादा हो गई इस कारण से पांच मिनट की देरी हुई अन्यथा की स्थिति में आप सबको पता है कि मेरी क्लासेस हमेशा टाइम पर ही चलती है कभी भी आ, लेट नहीं होता ठीक तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करें क्योंकि संख्या यहां पर बहुत कम है और इतने कम संख्या में तो मजा आएगा ही नहीं ठीक है ना इतने कम संख्या में मजा आने वाला है नहीं सब लोग बढ़िया है ना तो आज से एक नई सीरीज चल रही है और ये देखिएगा थंबनेल आपको पीछे दिख रहा होगा टारगेट बीपीएससी 2023 2023 में जो हमारी अड़सठवीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है इसको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण करेंट अफेयर और साथ ही साथ रिलेटेड जो स्टेटिक जीके होगा वो सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा और इसके तहत जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 है ना और ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद जनवरी का भी करवाऊंगा आपसे एग्जाम के पहले पहले तक दस पंद्रह दिन पहले तक का पूरा करेंट अफेयर मैं कंप्लीट करवा दूंगा ठीक है तो सेशन को स्टार्ट करें संख्या बहुत कम है इतने कम संख्या में मजा नहीं आएगा ठीक है ना तो पहले कक्षा है एक बार सभी लोग दबा के शेयर कर दीजिए फिर मजा आ जाए ठीक तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह मोटिवेशन मैंने आप सभी को दिया था थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए होंगे फिर से मोटिवेट करते हैं ठीक देखिएगा लिटिल प्रोग्रेस है ना आ लिटिल प्रोग्रेस इच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट यानी कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा हम करते रहेंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा जब बहुत बड़ा रिजल्ट वो देगा जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से क्या होगा लेकिन सबको पता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है है ना बरसात जो होती है बूंद बूंद पानी ही गिरता है लेकिन उस बूंद बूंद पानी में इतनी क्षमता होती है कि कई क्षेत्रों को बहाकर समाप्त कर देता है बहा लेकर चला जाता है डुबो देता है तो ये छोटी छोटी जो क्रियाशीलता है इसको कभी भी आप लोग समाप्त मत कीजिए मत सोचिए कि मिनट बचा है तो हम क्या कर लेंगे पांच मिनट में हमने दो क्वेश्चन रिविजन कर लिया रिवाइज कर लिया तो ये दो क्वेश्चन अगर ऐसे ऐसे पांच पांच मिनट डेली बर्बाद करेंगे तो बहुत हो जाएगा इससे बढ़िया कि पांच मिनट भी समय मिलता है तब भी आप रिविजन करते हुए चले ठीक है ना ठीक चलिए हिमांशु चौहान जी बोल रहे हैं यू स्टार्ट टीचिंग स्टूडेंट विलकम है ना बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं सब धीरे धीरे आएंगे क्योंकि पहली कक्षा है और पहली कक्षा में थोड़ा सा प्रचार प्रसार करना पड़ जाता है ठीक तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और करेंट अफेयर देखेगा अगर बी की बात कर ले एक बार मैं आपको वेटेज बता दूं है ना वेटेज बता दूँ फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर हम कहीं पर जाते हैं तो उस जर्नी के बारे में पता होना चाहिए कि हम जा कहाँ हैं ऐसे ही तोड़ ना पगलाए पड़े हैं किसी ने धोखा दे दिया बस जाए जा रहे जाए जा रहे कोई पूछ रहे कहाँ जाओगे जहां किस्मत ले जाए नहीं भैया वो नहीं होना चाहिए हम कहीं जा रहे तो हमारा टारगेट होना चाहिए ठीक तो अगर हम करेंट तो अफेयर तो कर यहां से पैंतीस प्लस आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं फिर चार सेक्शन में बार बार बोलता हूं चार सेक्शन पर कवर कर लिया एक प्लस हमारे रखे हुए हैं हिस्ट्री ठीक साइंस क्वेश्चन फिक्स है उसका बिहार राज्य विशेष है ना वह भी पच्चीस तीस और फिर आपका करंट अफेयर तो ये सबसे बड़ा सेक्शन हो जाता है और जो यहां पर मैं क्लास यहाँ पर आप सभी को देने वाला हूं इसके माध्यम से कोशिश ये रहेगी कि तीस प्लस आपके करंट अफेयर यहीं से है मेरी कोशिश रहेगी पूरा का पूरा पैंतीस के पैंतीस आए और इसके लिए मैं कुछ भी यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ इतना मैंने जितना भी नोट्स प्रिपेयर किया है बनाया है सब कुछ आप सभी को यहाँ पर शेयर करूंगा मैं गारंटी देता हूँ दावा करता हूँ कि आपके करंट अफेयर की कोई

करते ही आप सभी को 78% के आसपास डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा ठीक तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न कॉलिन डी ग्रैंड होम जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस खेल से संबंधित है ना नाम याद रखिएगा कॉलिन डी ग्रैंड होम पहला क्वेश्चन ही आपके कहाँ से खेल से संबंधित फुटबॉल टेनिस क्रिकेट या फिर बैडमिंटन आपके इंग्लिश में भी है इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा कोलिन डे ग्रैंड होम हु रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट फुटबॉल टेनिस क्रिकेट या फिर बैडमिंटन इसका सही उत्तर क्या होगा सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा ठीक है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और आज तो देखिएगा आज, आज आपका ट्यूसडे है है ना मैंने बोला था सब्जेक्ट वाइज लेकर आने के लिए तो सब्जेक्ट वाइज जो है ना वो मैं आपकी एक जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा अभी फिलहाल जितने महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है उसको रिविजन करेंगे और सब्जेक्ट वाइज में एक तरीके से आप सभी की स्टार्ट कर दूंगा एक दिन उठाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट पूरे वर्ष भर का है ना एक दिन में देखा जाए राज्य व्यवस्था एक दिन में अर्थव्यवस्था तो इस तरीके से लेकर आने वाला हूँ मजा आ जाएगा चलिए सभी लोग यहाँ पर सी के साथ जा रहे हैं ना सी के साथ जा रहे हैं

गुरु कौन नहीं जानता इनके बारे में ठीक है ना कौन नहीं जानता तो ध्यान मिखाइल जिनका वर्ष की में निधन हो गया किस देश से जर्मनी रूसैंडलवास्ट अवे एट नाइन वन बिलोंग टू विच कंट्री जर्मनी रशिया यूक्रेन या फिर आपका पोलैंड चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा मिखाइल गुरु के बारे में कौन नहीं पढ़ा होगा चलिए बताए सभी लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे ना तो मजा आ जाएगा क्योंकि ये सेशन जो है एक घंटे से ज्यादा की है और संख्या बहुत कम है है ना संख्या बहुत कम है धीरे धीरे सबको बुलाओ है ना सबका काम क्या है सबको बुलाना तो बुलाएंगे नहीं तो फिर मजा आएगा नहीं चलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आ रहे लेकिन संख्या बहुत कम है आप सभी लोग थोड़ा जितने लोग लाइव में हैं सब लोग अगर यहाँ पर रिप्लाई करें तो ज्यादा मज़ा यहाँ पर आएगा ठीक है ना यहाँ पर सी कर रहे हैं सब है ना सी नहीं सी इसका क्या हो जाएगा गलत जवाब हो जाएगा ये रसिया से संबंधित है रूस से संबंधित है और अभी देखा जाए तो उन्नीस में इससे पहले क्या था तो ये यू था और यू से संबंधित है आपके मिखाइल गोरवक्षे जिनका हाल ही में निधन हुआ है कब तो 30 अगस्त 2022 को इनका निधन हो गया और इनके बारे में आप सभी को पता ही होगा उन्नीस सौ 1931 में इनका जन्म हुआ 1990 से इक्यानवे तक ये देखा जाए तो पहले क्या था USSR था यूएसएसआर तो यूएसएसआर के राष्ट्रपति के रूप में अपना योगदान देते रहे हैं और साथ ही साथ उन्नीस में आप सभी को पता होगा है ना इससे पहले उन्नीस से पहले एक युद्ध चल रहा था जिसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं और शीत युद्ध का समय का आप सबको पता

इसका फुल फॉर्म हो जाता है जिसका विघटन उन्नीस में होता है ठीक और ये जो शीत युद्ध हुआ था एक तरफ आपकी यूएसए की टीम थी तो दूसरी तरफ यूएसएसआर ठीक है इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है ठीक तो ये आपके रसिया से संबंधित थे अगला प्रश्न सड़सठवे फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया शत्रुन सिंह सिन्हा श्याम बेनेगल शेखर कपूर या फिर सुभाष गई हु हैज बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द सेवन सिक्सटी फेयर अवार्ड ऑप्शन आप सभी के समक्ष है एक बार सभी लोग ऑप्शन को चूज कीजिएगा संख्या तो बढ़ी नहीं रही लाइक भी नहीं बढ़ रही है भैया है ना इस टाइम तो धूप निकल गया आप लोग सोच रहे कि चलो कोई दिक्कत नहीं डूब भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं डूबे नहीं कह के, के, के लेके चलेगा पूरा करंट अफेयर एक साल के एकदम धकाधक कंप्लीट चलिए बताएं इसका सभी सही उत्तर क्या होगा चले सी ए डी अच्छा इतने सारे आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा सी ए डी सब कुछ आ रहा है आप सबको पता होगा इसका सही उत्तर क्या होगा डी होगा सुभाष गई जो है ये इसके सही उत्तर है ना इनकी बात कर ले तो ये क्या है तो बॉलीवुड है ना बॉलीवुड जो है बॉलीवुड में ये क्या है डायरेक्टर हैं है ना बॉलीवुड में डायरेक्टर हैं और इनके कुछ मशहूर फिल्में हैं जैसे आप सबको पता होगा है ना कर्ज है ना कर्ज चुकाने वाला कहानी आप सबने सुना ही होगा है ना परदेश मूवी आप सभी ने देखा होगा खलनायक मूवी देखा होगा नायक नहीं खलनायक हूं मैं तो ऐसे ऐसे जो सुपरहिट मूवीज रही हैं वो सबके डायरेक्टर है ना कौन रहे हैं यहाँ पर सुभाष घाई रहे हैं और बॉलीवुड के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए वर्ष दो का है ना सड़सठवा फिल्म फेयर अवार्ड जो यहाँ पर दिया गया इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है ठीक है ना तो ध्यान रखिएगा सुभाष घाई इसका सही उत्तर हो जाता है आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ध्यान में रखिएगा भैया अपराध है तो यहां पर जो एनसीआरबी हमारा इसके रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को दो में भारत के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में यहां पर कटेगराइज किया गया है सबसे सुरक्षित शहर कौन है एज पर एन सिटी हैज बीन अनाउंस्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया इन 2021। मुंबई कोलकाता बेंगलोर या फिर पुणे बताइएगा सबसे सेफेस्ट सिटी जो है वो किसको यहां पर घोषित किया गया है चलिए बताएं सभी लोग मैं साइड में हूं आप सभी चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अन्यथा की स्थिति में इसका पीडीएफ जो है क्लास के तुरंत बाद अपलोड कर दी जाएगी कहां पर तो आपका यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है अड्डा कौन सा तो बिहार अड्डा बिहार का अड्डा है 24/7 इस टेलीग्राम चैनल पर तुरंत आप सभी को मिल जाएगा सभी लोग डाउनलोड करके ज्यादा से ज्यादा रिविजन करते हुए चलेंगे हाँ ताल से ताल मिला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर कोलकाता वाले यहां पर सही है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है सबसे सेफेस्ट सिटी अगर भारत में इसके अकॉर्डिंग है तो वो है आपका कोलकाता और कोलकाता में देखा जाए तो एक लाख में से देखा जाए तो मात्र एक सौ पर क्राइम देखने को मिले हैं तो सबसे कम क्राइम जो है वो आपकी कोलकाता सिटी में देखने को मिली है और ये हम नहीं कह रहे एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है ये बातें ध्यान में रखिएगा तो सबसे नंबर वन पर कौन है कलकत्ता और दो नंबर पर कौन है हमारा तो पुणे है ये बातें ध्यान रखिएगा तो सबसे कम क्राइम कलकत्ता में और उससे थोड़ा सा और कम देखा जाए तो पुणे में आप सभी को देखने को मिल जाएगा ठीक चलिए गुड आफ्टरनून टू यू ऑल सभी लोग जितने लोग अभी उपस्थित हो रहे हैं सबका स्वागत है और जो पहले से हैं उनका तो बहुत ज्यादा स्वागत है ठीक है ना आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक मिनट ये चेयर को हटा दो नहीं तो मैं कहीं गिर ना बार -बार लग रहा हूं मैं अगला देखिएगा ब्लूमबर्ग बिलीनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का तीसरा सबसे अमीर बन गया है ठीक है ना यहां पर देखिएगा ठीक दुनिया में यहां पर टाइपिंग जो है टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है मैंने यहां पर ध्यान दिया नहीं ठीक है ना इंग्लिश वाला देख लीजिएगा इंग्लिश वाला परफेक्ट है एज पर द ब्लूमबर्ग बिलीनियर्स इंडेक्स विच इंडियन हैज बिकम द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड गौतम अडानी मुकेश अंबानी अजिम प्रेमजी या फिर शिव नडार इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा है ना भारत का सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन कौन है और दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन कौन है आप लोग सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा ठीक है ना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न का संकलन है मैं गारंटी देता हूं कि इससे आप लोग जुड़े रहिए एग्जाम से पहले पहले तक मैं इतना करेंट अफेयर करवा दूंगा चाहे बिहार राज्य विशेष हो राष्ट्रीय हो अंतरराष्ट्रीय हो सारी क्वेश्चन आपके अपने नोट से आएंगे अगर आप लोग रिविजन करते हुए चलते हैं तो अच्छा सब लोग थक जाते हैं अब देखिएगा यहां पर जो टीम है ना जो क्लास है क्लास यहाँ पर शेड्यूल कर दिया गया तीन बजे से कि इससे पहले सारी क्लासेस चलती है तो इसके पहले तो हो नहीं सकता और एक क्लास मेरी सुबह सात बजे है और दूसरी तीन बजे बीच में मैं क्या किया हूँ आप सोच लीजिएगा पहली बार इतना लंबे टाइम तक मैंने ऑफिस में समय गुजारा हुआ है है ना उस जो आपका एस एस सी एग्जाम था अगर उसको छोड़ दे तो इसका सही उत्तर क्या होगा अच्छा कहाँ से इतना पैसा लाता है अडानी उतना मेहनत करते हैं ना भैया उतना मेहनत करते हैं आप भी मेहनत कीजिए आपके पास भी पैसे पैसे ही हो जाएगा मजा आ जाएगा और इसका सही उत्तर क्या है हमारे गौतम अडानी गौतम अडानी जो हैं ये दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं अगर इनका जो अभी देखा जाए इससे पहले अगस्त में भी एक रिपोर्ट आया था इसी का है ना उसमें थोड़ा सा संपत्ति ज़्यादा था लेकिन अभी हाल ही में तीन चार दिन पहले भी एक रिपोर्ट आया है इसी का ब्लूमबर्ग का ही और इसमें देखा जाए तो कई सारे जो बिलिनियर्स हैं इनके जो संपत्ति है संपत्ति में कमी आई है ठीक है ना तो ध्यान रखिएगा पहले इनका 119 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी लेकिन जो लेटेस्ट हमारे पास डाटा अभी वाला है जो तीन दिन पहले ही जारी हुआ है इसमें देखा जाए तो 110.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनके पास धन है है ना और इतने धन के साथ ये दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाते हैं ठीक है ठीके? तो भारत का सबसे richest पर्सन कौन है तो हमारे हैं गौतम अडानी है ना वर्तमान में देखा जाए तो इनके पास 110.3 बिलियन डौ, अमेरिकी डॉलर इनके पास धन है और इसके साथ 30 तीस, आपके तीसरे नंबर पर फर्स्ट नंबर पर देखें है ना फर्स्ट नंबर पर कौन है तो बर्नार्ड और नेंट है ना फर्स्ट नंबर की बात कर लें ठीक है तो इनका नाम क्या है बर्नार्ड नाम इनका खतरनाक है है ना और नेंट ठीक है ऐसे ही नाम है कोई ये क्या है पहले नंबर के दुनिया के सबसे ज्यादा धन वाले व्यक्ति वही है आपके कहां से संबंधित है तो आप सभी को पता होगा ये फ्रांस से संबंधित है और इनके पास एक बिलियन डॉलर कितना एक एक बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इतनी संपत्ति के साथ ये एक नंबर पर है और फ्रांस से संबंधित है ये बातें ध्यान रखिएगा तो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले फ्रांस वाले और फिर हमारे गौतम अडानी तीसरे नंबर पर है दूसरे की बात कर तो एलन मस्क हो जाते हैं दूसरे नंबर पर ठीक है ना एलन मस्क जो है ये आपके दूसरे नंबर पर हो जाते हैं और इनकी अगर बात करें नागरिकता की तो इनके पास सीवीएसए कनाडा है ना साउथ अफ्रीका तीनों ही देशों की नागरिकता इनके पास है तो ये बातें भी आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा और एलन मस्क की बात कर ले 138.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर ठीक है 138.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर ठीक तो ध्यान रखेगा गौतम आडानी आपके तीसरे नंबर पर आइए अगला प्रश्न विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है है ना अवतार सिंह लिनथोई थोई चनाम्बम पूनम चोपड़ा या फिर थौदम कल्पना देवी ठीक है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 टू ऑप्शन आप सभी के समक्ष है सभी लोग उत्तर दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त जबरदस्त से कहीं से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं तो सबको इस सेशन के साथ जुड़ना है हम एक दो घंटे यहाँ पर रहेंगे है ना डेढ़ दो घंटे की क्लासेस डेली चलेगी क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि हम एक एक घंटे क्लासेस करके और पूरा करंट अफेयर करंट अफेयर मैं एक बोते बोलते हैं ना मात्रा मात्रा तक यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला मैंने इस तरीके से आप सभी क्लासेज डिजाइन की हुई है तो इसके लिए थोड़ा सा सेशन की टाइमिंग बढ़ेगी है ना एक घंटे से ज़्यादा ही होगा डेढ़ घंटे दो घंटे ये आपकी सेशन चला करेगी इसीलिए तीन से रखा गया कि बीस में कोई भी रोक टोक यहाँ पर नहीं होगी ठीक चलिए बी के साथ सभी लोग जा रहे हैं है ना ऑप्शन बी के साथ सभी लोग जा रहे हैं और अच्छा सी वाले भी है नहीं सी वालों की भैंसिया डूब रही है है ना सी वालों की भैंसिया डूब रही है इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है है ना लिंथोई चनम्बम है ना लिंथोई चनम्बम जो है ये यहाँ पर जीतने वाली पहली भारतीय महिला यहाँ पर बनी हुई है ये बातें ध्यान में रखेगा और इनकी उम्र की बात कर ले उम्र बहुत ही कम है अभी देखा जाए तो सोलह वर्ष की उम्र में इनके द्वारा ये चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है और बात कर ले कि कहां से संबंधित है ये तो ध्यान रखिएगा मणिपुर से संबंधित है ठीक है मणिपुर है ना तो मणिपुर हमारा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है पूर्वोत्तर राज्य है उसमें से एक हमारा राज्य है मणिपुर और इस मणिपुर से संबंधित है लिंथोई चनाम्बम ठीक है तो यह भी पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है मणिपुर आप लोग याद रखिएगा ठीक है सोलह वर्ष की मात्र उम्र में और कैटेगरी की बात कर ले तो सत्तावन के की कैटेगरी वाले में इनके द्वारा ये जीता गया है चैंपियनशिप ठीक तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए चलना है अगला प्रश्न सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हुए हैं? सभी प्रारूप का मतलब क्या हुआ कि टी भी 100 मैच पार है ना टेस्ट मैच भी सौ मैच खेल लिए ओडीआई जो है ये भी सौ मैच खेल लिए तो ऐसा कौन भारतीय क्रिकेटर है जो सभी में सौ सौ मैच का रिकॉर्ड यहाँ पर बना चुके हैं सौ सौ मैच खेले हुए हैं आपके यहाँ पर विराट कोहली रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या है और के एल राहुल है चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले हंड्रेड मैचेस इन ऑल ऑफ द फॉर्मेट्स ठीक है ना इसमें क्या क्या हो जाएगा तो टी ट्वेंटी ध्यान में रखेगा इसमें भी सौ खेल चुके हैं उसके बाद जो हमारा ओ होता है फिर टेस्ट होता है सब में सौ सौ मैच खेलने का आंकड़ा इनके द्वारा पार कर लिया गया है अच्छा अपना विराट है ना और बाकी किसके हैं भैया विराट जी ही अपने हैं बाकी किसके हैं ये रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के राहुल दूसरे के हैं सब अपने हैं भैया सब के सब अपने हैं ठीक है ना लेकिन यहाँ पर जो आंसर आ रहे वो बिल्कुल सही उत्तर है विराट कोहली जो है इसका सही उत्तर हो जाता है विराट कोहली भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर बने हुए हैं जिनके द्वारा अगर हम टी की बात कर ले तो टी भी हंड्रेड पार कर लिए हैं टेस्ट मैच लगभग एक के आसपास और ओडिया की बात करें तो दो छप्पन से भी ज्यादा मैच इनके द्वारा खेली गई है तो अगर भारत में देखें तो भारत में पहले व्यक्ति हमारे विराट कोहली हैं और अगर, अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो विराट कोहली ऐसा करने वाले दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं दूसरे क्रिकेटर हो जाते हैं ये बातें भी आप सभी को ध्यान में रखना है आई अगला प्रश्न क्रिकेट की बात आई खेल की बात आई तो प्रश्न खेल से भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है वेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया छब्बीस अगस्त पच्चीस अगस्त उनतीस अगस्त या फिर इकतीस अगस्त चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है चलिए एटे सिक्स लाइव हो चुका है थोड़ा सा आप सभी लोग शेयर कर देंगे अपने स्तर पर तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा जब हमारा हंड्रेड पार हो जाएगा तो पहला आज पहला दिन है टारगेट हंड्रेड प्लस रखते हैं है ना धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए हजार तक लेकर जाना है क्योंकि जो मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आप सभी को भी यहां पर करना पड़ेगा ठीक है ना और लाइक की संख्या बड़ी कम है मजा नहीं आ रहा मजा नहीं आ रहा लाइक की संख्या कम रहेगी तो फिर मजा नहीं आएगा चलिए सभी सभी लोग पर सभी लोग पर ऑप्शन ऑप्शन सी सी के के साथ साथ जा जा रहे रहे हैं हैं है ना भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस और खेल दिवस की बात कर ले बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी ये हम 29 अगस्त को मनाते हैं किस लिए तो जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं है ना मेजर ध्यानचंद ठीक है ना किससे संबंधित तो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और इन्हीं की जयंती के अवसर पर हम क्या करते हैं तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं इनके जन्म की बात कर ले तो यही 29 अगस्त को वर्ष 1905 में वर्तमान में जो हमारे यूपी का प्रयागराज है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था ये बातें भी आप सभी को ध्यान में रखते हुए चलना है तो मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाने वाले इनके जयंती के तो सर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष 29 अगस्त को ठीक है ना चलिए आइए आगे बढ़ते धमाल है करके चले जाएंगे देखिएगा अगला प्रश्न तटिया सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है ना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है द नेम ऑफ दाइट लॉन्च टू बूस्ट द कोस्टल क्लीन अप कैंपेन अपन स्वच्छ सागर डॉट ओ आरजी स्वच्छ भारत .org, स्वच्छ जल डॉटर स्वच्छ नदी डॉट ओ आरजी चलिए जारी किया गया है और आप सबको पता ही है कि भारत के में देखा जाए तो हमारे तटीय क्षेत्र भी बहुत सारे हैं इधर तो गुजरात से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र गोवा है ना केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है ना उड़ीसा ये सभी क्या है तटीय हमारे क्षेत्र हैं और इन सभी में तट बड़े स्तर पर पाए जाते हैं है ना ये इसलिए चलाया गया है क्योंकि यहां पर जैसे होता है ना कि हम जागरूक नहीं है सफाई को लेकर और मुख्य रूप से देखा जाए विभिन्न जा भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होता है जैसे मान लीजिए हमने बोतल में कोल्ड ड्रिंक पिया है ना पानी वानी पिया हर हमने जल में फेंक दिया तो ये क्या है वहां पर प्रदूषण फैला रहा है इन्हीं प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये यह यहाँ पर वेबसाइट बनाया गया है तो इसका सही उत्तर क्या होगा सभी लोग बताइएगा चले बी के साथ सभी लोग जा रहे हैं बी क्या है स्वच्छ भारत डॉट ओ नहीं, नहीं गलत है डुबा दिए भैया धूप निकली है लेकिन ठंडी तो वही है ना क्यों आप लोग डुबा रहे इसका सही उत्तर है, है ना स्वच्छ सागर डॉट ओ आर जी स्वच्छ सागर डॉट ओ आर जी जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है ताकि जो हमारे तटीय क्षेत्र है ना तटीय क्षेत्र में जो कचरा फैल रहा है है ना कई हजार टन की संख्या में ये कचरा है इसको साफ करने के लिए ये यहां पर कैंपेन चलाया गया ठीक है ना क्लियर <coughs> बढ़े आगे अच्छा सही जगह जगले है कौन सुतल रहा है अभी जगले है अभी जगले से थोड़ा ना काम कर चलेगा चलो अगला प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट अर्थक्विक मेमोरियल इन विच स्टेट ऑप्शन आप सभी के समक्ष है बताइएगा यह क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार रिवीजन कर रखा है देखिए अभी तक हमने जो करेंट अफेयर किया है वो सी के लिए किया है और यहाँ जो हम कर रहे हैं ना ये बीपीएससी के लिए कर रहे हैं तो कई सारी चीज़ें नई नई देखने को मिलेगी <coughs> गर्मी बहुत ज्यादा है एसी भी नहीं चल रहा वो होता है ना क्या कहते हैं चलिए बी के साथ सभी लोग जा रहे हैं ना बी के साथ और बी जो गुजरात है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है है ना इसको तो हमने एस एस सी सी वाले में भी हमने देखा था इसको भी कवर किया था है ना क्या चीज तो भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा और कहाँ पर तो गुजरात में जो वहां पर भूकंप आई थी दो में जिससे कई सारे लोगों की जान चली गई थी तो उन सभी लोगों के नाम को भी यहाँ पर मैंशन किया गया है तो भारत का पहला भूकंप स्मारक जो है ये हमने गुजरात राज्य में स्थापित किया हुआ है ठीक है ना चलिए अगला प्रश्न भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं है ना? इनका कार्यकाल समाप्त भी हो गया है यह बातें ध्यान रखेगा लेकिन न्यूज में चूंकि पचासवें तो सबको याद होगा देखते हैं उनचासवें याद है या नहीं है भारत के उनचासवें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हुए हैं विनीत शरण श्रीपति रविंद्र भट्ट धनंजय वाई चंद्रचूड़ या फिर उदय उमेश ललित चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा फोर्टी नाइन्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शॉर्ट में सी जे आई बोलते हैं चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा पचासवें तो सबको याद है देखते हैं उनचासवें को याद रखे हुए हो या फिर भूल गए चलिए बताएं सभी लोग इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए सी और डी वाले आ रहे हैं ना डी यानी कि धनंजय वाई चंद्रचूड है ना ये क्या है पूर्णतः गलत है ये क्या है तो हमारे पचासवे नंबर के ठीक है ना पचासवें नंबर के सीजीआई आई है वर्तमान में है धनंजय वाई चंद्रचूड़ और इनकी बात कर ले तो 9 नवंबर 2022 से 9 नवंबर 2022 से ये भारत के सीजे आई हैं इनसे पहले थे यहां पर उदय उमेश ललित ठीक है ना ये आपका सही उत्तर हो जाता है जो हमारे उनचासवे मुख्य न्यायाधीश थे सी थे वो थे उदय उमेश ललित जिनका कार्यकाल बहुत कम रहा है ना 27 अगस्त 2022 से लेकर अब तक है ना ये 27 अगस्त 2022 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ था और चंद्रचूड़ से पहले तक तो बहुत लंबी अवधि के लिए नहीं थे लेकिन ये उनचासवें सीजे थे और वर्तमान में कौन है धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो नौ नवंबर 2022 से अपने पद पर बने हुए ठीक है ना तो ये बातें ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि जो करंट है वही पूछेगा बीपीएससी तो थोड़ा सा एक दो है ना बहुत लंबी अवधि नहीं है ना एक वर्ष का पूरा करंट अफेयर चाहिए और ये अवधि देखा जाए तो ये अगस्त का न्यूज है है ना अगस्त में ये आपको ये न्यूज देखने को मिला था आइए अगला प्रश्न पुरुष एकल और महिला एकल श्रेणी में BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है है ना ऑप्शन यहां पर बहुत बड़े हैं है ना एक बार पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग हु हैज ओन द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 टाइटल इन मेंस सिंगल एंड वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरी चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा संख्या अभी तक 100 पार ना हुई तो फिर मजा नहीं आएगा ना और ये अकबर और रबी आपस में बातचीत ना करें यहां सेशन में आए हैं तो सेशन पर ध्यान दीजिए यही तो सिलेक्शन दिलवाएगा ठीक है ना तो ध्यान कहाँ देना है सेशन पर देना है बतिया लेना बाद में ना बतियाने का बहुत सारा टाइम है आराम से बतियाओ खुल के बतियाओ लेकिन यहाँ जिस उद्देश्य से हम आए हुए हैं उस पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा देखिए अनुजीत थिंक करने से नहीं होगा जो रियल है वो यहाँ पर बताना होगा ए सी बी है ना ए सी बी डी चारों उत्तर यहाँ पर आ गए ठीक है ना चारों उत्तर यहाँ पर आ गए लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाता है ठीक है ना विक्टर एक्सेलसन और अकाने

थ्री हंड्रेड मीटर लॉन्ग अटल ब्रिज हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ गुजरात अहमदाबाद सूरत वडोदरा या फिर राजकोट चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं नाम मजेदार मजेदार है और फिर जब कैटेगरी वाइज करवाऊंगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा फिलहाल अभी हम कुछ रिवीजन कर रहे हैं ये रिवीजन ही सीरीज है और करेंट अफेयर की पूरी रिवीजन आपकी यहां पर होते हुए चली जाएगी ठीक है ए के साथ सभी लोग जा रहे हैं लगा दें ए पर है ना लगा दे ए पर कई लोग यहाँ पर राजकोट लिख लिखे राजकोट वाले पूर्णतः गलत हैं ये आपका सही उत्तर क्या है अहमदाबाद ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है अहमदाबाद में 300 मीटर लंबे ब्रिज का जिसको नाम दिया गया है अटल ब्रिज इसका उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस नदी पर है ना ये किस नदी पर बनाया गया है तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक है ना लग रहा है ऐसी चलवाना ही पड़ेगा नहीं तो मैं खांसते खांसते मर जाऊंगा चले किस नदी पर है एक बार सभी लोग बताइएगा नदी का नाम अभी तक नहीं आया है तो उद्घाटन जो हुआ था है ना अगस्त के महीने में 27 अगस्त 2022 को किया गया था अहमदाबाद में है ये बातें ध्यान में रखिएगा ठीक आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न महिला समानता दिवस हर साल मनाया जाता है वुमेन्स इक्वेलिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन तेईस अगस्त पच्चीस अगस्त छब्बीस अगस्त या फिर तीस अगस्त चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर क्या होगा है ना नदी जो है ना वहां पर साबरमती है ये बातें ध्यान में रखिएगा है ना साबरमती उसका सही उत्तर हो जाता है ये बातें ध्यान रखना है ठीक है ना कई सारे लोग यहाँ पर नर्मदा दे रहे हैं साबरमती ठीक चलिए इसका सही उत्तर बताइएगा महिला समानता दिवस हर साल कब मनाया जाता है तेईस अगस्त को पच्चीस अगस्त को छब्बीस अगस्त को या फिर तीस अगस्त को अब स्क्रीन पर पढ़ने से अच्छा जो सामने स्क्रीन है ना उस पर पढ़ रहा हूं वहां से क्लियरिटी दिखाई दे रही है चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा महिला समानता दिवस आप सबको पता होगा कि जो महिला पुरुष में भेदभाव है वो केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में देखने को मिला लेकिन जहाँ पर सबसे पहले शिक्षा पहुँची लोग शिक्षित हुए है ना उनकी संकीर्ण मानसिकता समाप्त हुई वहाँ पर समानताएँ देखने को मिली लेकिन आज भी यूरोपीय क्षेत्रों में भी कई क्षेत्रों में समानताएँ देखने को नहीं मिलती और भारत में तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी समानताएँ देखने को नहीं मिलती इसकी अगर बात करें बिल्कुल सब लोग सही जा रहे हैं यहाँ पर है ना छब्बीस अगस्त जो है छब्बीस अगस्त को हम महिला समानता दिवस के रूप में मनाते हैं है ना वुमेन्स इक्वेलिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ये बातें ध्यान में रखते हुए चलना है ठीक है ना आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है हु हैज बीन अवार्डेड यूनेस्को पीस प्राइज टू ऑप्शन है आपके यहाँ पर इमेनुअल मैक्रोन एंजेला मार्केल ब्लोडिमिर जेलेंस्की और जो बाइडेन इसका सही उत्तर क्या होगा सभी लोग बताएं। प्रश्न क्या है यूनेस्को शांति पुरस्कार यूनेस्को पीस प्राइज 2022। इसके बारे में है ना इसके बारे में हमने जो एस एस सी वाला हमने क्लासेस लिया था सी जी एल वाला वहां पर भी इसकी चर्चा हुई है चलिए बी के साथ जा रहे हैं सभी लोग एकदम कड़कड़ा के बी 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 यानी कि एंजेला मार्केल जो कि बिल्कुल सही उत्तर है और एंजेला मार्केल की बात कर लें है ना तो ये है कौन तो जो हमारा जर्मनी है जर्मनी के ये क्या है राष्ट्रपति है ठीक है ना जर्मनी के ये राष्ट्रपति हैं और इनको दो का यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है ठीक है ना क्लियर फॉर्मर चांसलर हैं ये जर्मनी के ठीक है ना फॉर्मर चांसलर इसको क्या हो गया और ये क्या सिस्टम है भैया ठीक है ये क्या है तो फॉर्मर चांसलर ठीक है आइए बढ़े आगे फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी और इनको इससे सम्मानित किया गया ठीक है ना आइए आगे बढ़ते हैं आई में कार्यकारी निदेशक जो भारत से संबंधित है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है तो ये आईएमएफ है देखिएगा अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूँ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना एट आईएमएफ, यहां यहाँ पर क्या है सुजीत भल्ला अरविंद सुब्रमण्यम रघुराम राजन या फिर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इसका सही उत्तर क्या होगा सभी लोग बताइएगा हाँ हाँ बिल्कुल चांसलर है कभी कभी हो जाता है मिस्टेक लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना अगर सुधार ना करते हो चलो तो फिर क्या होगी वो गलती मानी जाएगी ठीक है ना चलिए हंड्रेड के करीब है एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि मज़ा आ जाए ठीक है ना और जितने लोग लाइव है उतना लाइक नहीं है पहली कक्षा है और पहली कक्षा में अगर प्रतिक्रिया बेहतर नहीं मिलेगी तो फिर मजा नहीं आएगा ना तो पहली क्लास में प्रतिक्रिया जबरदस्त मिलनी चाहिए चलिए डी को लॉक करने के लिए बोल रहे हैं कि डी को लॉक कर दिया जाए है ना डी को लॉक कर दिया जाए बिल्कुल लॉक कर देंगे है ना ठीक है ना चलिए डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम जो हैं इनको आईएमएफ का क्या किया गया है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है जो भारत से संबंधित है और इनका कार्यकाल कब से प्रारंभ है तो ये एक नवंबर 2022 से इनका कार्यकाल प्रारंभ है और ये कब तक है ना तो अगले तीन वर्ष तक ठीक है ना अगले तीन वर्ष तक ये इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे आई के इंटरनेशनल मोनिट्री फंड क्लियर बढ़े आगे आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ दो रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं इंडिया हैज साइंड अ कंसल्टेंसी कंट्रैक्ट फॉर टू रेलवे प्रोजेक्ट विथ विच नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल या फिर भूटान इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा हाँ ई ऑप्शन डालना था लेकिन मैं डाला नहीं भूल गया है ना ई ऑप्शन कल से आप सभी को ई ऑप्शन दिखाई देगा क्योंकि अब आज क्लास थी है ना पहली क्लास थी थंबनेल भी बढ़िया तरीके से नहीं बना हुआ था तो थंबनेल बैठकर बनवाने में वहाँ समय लग गया लगभग एक घंटे के आसपास ठीक है उसके बाद ये टाइपिंग करना ठीक है इस कारण से मैं ऑप्शन ई यहाँ पर नहीं ला पाया लेकिन कल से आपकी जितनी भी क्लासेज होगी सब में ऑप्शन ई रहेगी तब तो बी वाला फील आएगा ऐसे बी वाला फील नहीं आ रहा ना ऐसे बीपीएससी वाला फील्ड नहीं आ रहा लेकिन कल से आप सभी को आएगी है ना तो यहाँ पर ई ऑप्शन होगा ई क्या है हमारा तो उपरुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक तो ये हमारा ऑप्शन ई हो जाता है जो आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ठीक है ना चलिए यहाँ पर सभी लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं और ऑप्शन ए क्या है बांग्लादेश जो कि बिल्कुल सही उत्तर है है ना बांग्लादेश के साथ हमने ये यहाँ पर समझौता किया हुआ है हस्ताक्षर किया हुआ है अनुबंध पर ठीक है यहाँ पर दो ट्रेनें चलाई जाने की बात की गई है एक आपकी खुलना से दर्शना ठीक है ना खुलना खुलना से दर्शना ठीक है ना एक तो आपकी ये चलेगी और दूसरी जो है दूसरी आपकी पार्वतीपुर से कोनिया तक चलेगी ठीक है ना पार्वतीपुर से कोनिया ठीक है तो ये स्थान भी याद रखेगा पार्वतीपुर से कोनिया और दूसरा खुलना से दर्शना ठीक है ना खुलना दर्शना खुलेगा तो दर्शन होगा तो खुलना से दर्शना हो गया और पार्वतीपुर में कौनियां चलिए आगे बढ़े अगला लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है है ना ब्लोडमीर ज़ेलेंस्की जो बाइडेन नरेंद्र मोदी या फिर इमेनुअल मैक्रोन इसका सही उत्तर क्या होगा हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लिबर्टी मेडल टू 2022 चलिए बताइएगा लिबर्टी मेडल से किन्हें सम्मानित किया गया है चले, सभी लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे है ना ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं ऑप्शन एक ब्लोडोमिर जिलेंसकी जो है बिल्कुल सही उत्तर है है ना और ये कौन है तो जो पहले वाले चांसलर वाले में जर्मनी के चांसलर वाले में गलती से निकल गया था मुंह से है ना ये कौन है तो ये है आपके कौन तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ठीक है ना ये कौन है आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इनको देखा जाए तो 2022 के लिबर्टी मेडल जो पुरस्कार पुरस्कार है इस से सम्मानित किया गया है जेलेंस्की को ये यूक्रेन के राष्ट्रपति है ये बातें ध्यान में रखिएगा और हाल ही में जो आपका युद्ध अभी भी समाप्त हुआ नहीं है रसिया यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है इसको लेकर देखा जाए तो फिर से जो विश्व है दो ध्रुवों में बटते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन भारत पहले भी अपने आप को अलग रखा है जब शीत युद्ध आपका चल रहा था है ना एक तरफ यूएसए चाहती थी कि भारत हमारे साथ सम्मिलित हो जाए और दूसरी तरफ यूएसएसआर चाहता था कि वो हमारे साथ सम्मिलित हो जाए और यूएसएसआर को इतना विश्वास भी था कि भारत जो है हमारा बहुत अच्छा मित्र है और भारत का भी यूएसएसआर बहुत बेहतर मित्र रहा है लेकिन फिर भी बहुत प्रयास के बाद भी देखा जाए तो भारत यहां पर क्या रहा एक तीसरी दुनिया बनाकर रखा कि भैया हम ना यहाँ पर ना पूंजीवादी के साथ जाएंगे और ना ही समाजवादी के साथ जाएंगे और अंतर देखा जाए तो इसमें यूएसएसआर की हार होती है और उन्नीस में रिजल्ट ये होता है कि यूएसएसआर का विघटन हो जाता है ठीक है तो अभी भी रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ये थोड़ा सा आपका हाईलाइटेड है ये बातें ध्यान में रखिएगा क्लियर चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है इंडिया रेंज हैज बीन एट पर किया गया है तो आई एन एस कलिंगा पर आई एन एस पर आई एन एस सरकार पर या फिर आई एन एस कर्मा पर चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा कलिंगा वीरभू सरकार या फिर कर्ण चलिए बताइएगा ये क्या है आपका तो समग्र शूटिंग रेंज है और आई का मतलब क्या होता है इंडियन नेवल शिप इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है इंडियन नेवल शिप ठीक है और ये सिप इतने छोटे छोटे नहीं होते आप सबने देखा भी होगा ये इतने बड़े होते हैं कि इस पर कई सारे जहाज़ एक साथ उतर सकते हैं वहाँ से उड़ सकते हैं कई हज़ार लोग वहाँ पर रह सकते हैं है ना और रहते भी हैं ठीक है तो यहाँ पर किस पर ये रेंज जो है वो स्थापित किया गया है चले ए और बी यहाँ पर आ रहे हैं ठीक है ना ए और बी आ रहे हैं लेकिन पूर्णतः क्या है गलत है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी है ना आईएनएस कर्ण जो है ये अगस्त का न्यूज है और आईएनएस कर्ण जो है आईएनएस कर्ण पर हमने क्या स्थापित किया है तो कंपोजिट शूटिंग रेंज हमने स्थापित किया हुआ है आई कर्ण पर यह बातें ध्यान में रखेगा जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर आऊंगा है ना सब्जेक्ट वाइज तो वहां पर थोड़ा सा डिटेल में चलूंगा ताकि आप सभी के मन मस्तिष्क में सारी कहानी जो है वहां पर बैठते हुए चले ठीक है ना आइए आगे, आगे बढ़े अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औषधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से दवाओं की ऑनलाइन निगरानी शुरू करेगा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट विल इंट्रोड्यूस ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन थ्रू द ड्रग मैनेजमेंट सिस्टम केरला उत्तराखंड उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि ऐसा है ना जो हेवी हेवी काम जो करने वाला है ना एक ही राज्य है और आप सभी के दिमाग में आ भी गया होगा कि वो आखिरकार कौन सा राज्य है ठीक है ना चलिए बताइएगा यहाँ पर सही उत्तर क्या है प्रश्न क्या है कि यहाँ पर स्टेट जो है ये क्या कर रहा है तो मॉनिटरिंग कर रहा है ऑनलाइन मेडिसिन का किसके माध्यम से तो ड्रग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ताकि जो मेडिसिन है वो हर क्षेत्र में बेहतर तरीके से क्वालिटी पूर्ण तरीके से पहुंच सके उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो सके चले यूके 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 डी मध्य प्रदेश बिल्कुल गलत जवाब है ना जो अपना खुद का ऑप्टिक फाइबर खुद का इंटरनेट स्थापित करने वाला जो हमारा राज्य है केरल जो है ये इसका सही उत्तर हो जाता है तो केरल जो है यहां पर केरल ड्रग मैनेजमेंट सिस्टम है ठीक है ना कौन सा तो केरला ड्रग मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम और इस सिस्टम के द्वारा जो हमारा मेडिसिन है मेडिसिन का ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी कि किस क्षेत्र में कौन सा मेडिसिन नहीं है नहीं है तो क्यों नहीं है वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में कोई बाधाएं तो उत्पन्न नहीं हो रही है तो ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है केरल है तो केरल से संबंधित बहुत सारे न्यूज़ है, है ना स्टेट वाइज भी मैं आप सभी के रिविज़न करवा दूंगा कि एक बार जहां से क्वेश्चन आए आपके कभी भी गलत ना हो ठीक है ना आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हु हैज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमीशन है ना देखिएगा कितना अच्छा है ना अच्छा अगले है ना अगले का है ठीक है ट्रांसलेशन नेक्स्ट हाई कमिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके अखिलेश मिश्रा विक्रम दुराई स्वामी मनोज कुमार भारती या फिर प्रशांत पीसे इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा सभी लोग ठीक है ना हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड किंगडम चलिए बताएं सभी लोग इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए बी के साथ सभी लोग जा रहे हैं ना बी के साथ सभी लोग जा रहे हैं विक्रम दुराई स्वामी के साथ जो कि बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है ना चलिए सिकंदर जी बोल रहे आप पढ़ने का मन नहीं करता है क्या करने का मन करता है उम्र क्या है शादी वादी करने के विचार हैं अगर है तो बोल दीजिए घर पे अगर आपसे नहीं बोला जा रहा है अगर हम बात कर ले ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई भी अपने से खुल के नहीं कह, कह पाता माता पिता से या परिवार वालों से कि हमें शादी करनी है अगर करनी है आप नहीं कह पा रहे तो पिताजी का नंबर दे दीजिए मैं फ़ोन करके बोल देता हूँ कि अब सिकंदर जी का पढ़ने का मन नहीं है अब इनका मन जो है वो दूसरी दिशा में है ना भटक रहा है इनका भटकाओ को समाप्त कीजिए क्यों मन नहीं कर रहा चाइना देखिएगा चाइना पर नियंत्रण था ब्रिटिशर्स का लेकिन डायरेक्टली तरीके से नहीं था ये नियंत्रण दो तरीके से होते डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली एक तो चाइना पर नियंत्रण था वो जो चीन का व्यापार था और अफीम का व्यापार था इन दोनों व्यापार के माध्यम से वो चीन पर कंट्रोल करते थे है ना उतने सफल नहीं हो पाए लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली तरीके से वो चाइना पर कंट्रोलिंग रखते थे ये बातें ध्यान में रखना है जैसे भारत पर डायरेक्टली कंट्रोल था सत्रह का जो प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का ने उस पर ठप्पा लगा दिया कि अब ब्रिटिश कंपनी जो है अब भारत की शासक है तो ये आपका डायरेक्टली शासन था लेकिन चीन वाले क्षेत्र पर इनडायरेक्टली तरीके से था ये बातें भी ध्यान में रखिएगा ठीक है ना तो इसका सही उत्तर क्या है अगर हम बात कर ले अगले हाई कमिश्नर जो आपके इंडिया के होंगे यूनाइटेड किंगडम में तो वो है आपके विक्रम दुराई स्वामी है ना विक्रम दुराई स्वामी जो है ये आपके अगले हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के यहां पर होंगे और इनका कार्यकाल जो है प्रारंभ हो भी चुका है आप सबको पता ही है कब से तो 22 सितंबर 2022 से ठीक है ना 22 सितंबर 2022 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है ठीक है इनसे पहले देखा जाए तो गायत्री है ना गायत्री ईश्वर कुमार यहां पर हुआ करते थे अगर दोराई स्वामी की बात कर ले कि यूके से पहले कहां पर थे तो ये बांग्लादेश में थे ये भी बातें ध्यान में रखेगा इनकी बात कर ले ये है कौन तो ये आई ऑफिसर है इंडियन फोरेन सर्विस जो होता है उससे संबंधित हमारे ऑफिसर्स हैं और इससे पहले है ना जो आपका यूके में इनका नियुक्ति हुए इससे पहले ये बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर रहे थे अब वर्तमान में 22 सितंबर 2022 से ये यूनाइटेड किंगडम के हाई कमिश्नर हैं ये बातें ध्यान में रखते हुए चलने हैं ठीक है ना अच्छा <laughs> रुपवानती जी बोल रही हैं कि जी सर शादी उनका करा दीजिए रिसेप्शन में हम सब भी आएंगे, बुलाएंगे तब तो आएंगे ऐसे ही थोड़ा न मेहमान बन के पहुँच जाएंगे हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा हंसने के लिए बोला था सिकंदर जी ठीक है ना थोड़ा बीच बीच में कॉमेडी होते चलना चाहिए देखिएगा ये सी का एग्ज़ाम है बिहार है बिहार के बारे में आप सबको पता ही है कि प्रशासन जो है कितनी घटिया तरीके की है इनसे एक पेपर नहीं करवाया जा रहा तो किसी और को दे देना चाहिए ना कि पेपर तुम करवा लो है ना एस जो यहाँ पर देखा जाए बैंकिंग का भी पेपर होता है ऑनलाइन होता है ऑनलाइन करवा लो ना कोई पेपर मिलेगा ना कोई लीक होगा लेकिन तुम्हारे में क्षमता है नहीं ऐसे तो ये सब देखा जाए वहां की प्रशासन तंत्र की कमियां मानी जाएगी प्रशासन तंत्र बेहतर नहीं है तभी जाके कोई भी पेपर लीक हो जाता है उसको ये नहीं पता ना कि बच्चे जो इतनी ठंडी में दूर दूर से आए एक तो होम सेंटर नहीं देते तुम इस जिले का उस जिले में उस जिले का उस जिले में दे देते हो उतने ठंडी में मैंने वो फोटो देखा जो प्रशांत सर ने भेजा हुआ था है ना रेलवे स्टेशन का फोटो था जहां पर स्टेशन पर बस स्टूडेंट ही सोए पड़े थे उतने ठंडी में रजाई जा वो रोड के तो ये कंडीशन है उनको होटल तक नहीं मिलती और मिलती भी है तो उनके पास पैसे नहीं होते कि वो रात भर होटल में रुक सके इतना मेहनत करते हैं और करने के बाद भी आपकी प्रशासन तंत्र इतनी घटिया है कि पेपर लीक हो जाती है करवाने है तो करवा लो ना ऑनलाइन इतना सारा सिस्टम है डिजिटल इंडिया की बात चल रही है तो करवाओ डिजिटल इंडिया ऑनलाइन करवा लो एग्जाम ना रहेगा बांस ना बजेगी बसरी ना पेपर मिलेगा ना कोई लीक करेगा बेहतर तरीके से होगा लेकिन ऐसा करना है नहीं राजनीति चाहिए ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट ये भी देखा जाए तो आपका अगस्त का न्यूज है अगस्त 2022 का न्यूज मैंने उठाया हुआ है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा अरे मुझे बिहार का सिस्टम इतना घटिया लगने लगा है बीपीएससी जहां से बच्चे अधिकारी बनेंगे इनका एग्जाम नंगा करवा के लेते हैं है ना जूता नहीं पहन सकते बेल्ट नहीं पहन सकते है ना एटीएम कार्ड है तो फेंक दो तोड़ दो ले नहीं जा सकते सिवाय एक पेन और आधार कार्ड के कुछ नहीं ले जा सकते बेल्ट खोल के रख दो जूता खोल के रख दो इतनी ठंडी में खुद से तो संभाला नहीं जा रहा और अत्याचार जो है वो स्टूडेंट्स पर करने हैं एग्जाम देखने हैं तो दिल्ली में आके देख लो कैसे यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है कितना इज्जत होता है कैंडिडेट का इस तरीके से एग्ज़ाम कभी ले सकते हो क्षमता ही नहीं है तो अगर कहा जाए ना अगर कहा जाए बिहार के बारे में तो बहुत लंबी अंदर से भड़ास निकलती है लेकिन अभी है ना इसको रोक के रखते हैं इसका सही उत्तर क्या है पंजाब है ना इसका पंजाब सही उत्तर हो जाता है और पंजाब में भी कौन सा जगह है तो ध्यान में रखेगा नाम आप लोग नहीं भूलेंगे कभी भी मल्लनपुर है ना पंजाब में मल्लनपुर स्थान है यहाँ पर ये जो होमी भाबा कैंसर हॉस्पिटल है और रिसर्च सेंटर है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है इनोग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है ठीक है ना आइए अगला प्रश्न बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा आजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलितजर पुरस्कार 2022 जीता हुआ है बांग्लादेश बोर्न फाहिमा आजीम कैटेगरी है ना उधर हिंदी वाले इधर इंग्लिश वाले ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी टिप्पणी इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री या फिर डी संपादकीय लेखन इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा पुलिसजर पुरस्कार 2022 और आप सबको पता होगा कि इसमें देखा जाए भारत के तो भारत के चार व्यक्ति जो हैं चार लोग जो हैं इनको 2022 के पुलिसजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चारों लोगों का नाम आप सभी को पता होना चाहिए चलिए उस पर कहानी देखा जाए ना बहुत बड़ी कहानी कही जा सकती है अंदर बहुत भड़ास भरी हुई है आप लोगों को परेशानी होती है ना तो आप लोगों से कहीं ज़्यादा परेशानी हम लोगों को होती है ठीक है क्योंकि हम भी पूरा जान लगाए पड़े हैं आप लोग जान जितना लगाते हैं ना उतना जान हम भी फूक देते हैं ताकि आप सभी के वहाँ पर सिलेक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात हम लोग ऑफिस में रुक है ना जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा क्लासेज लेते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो है ना बेहतर आप लोग प्रदर्शन कर सकें लेकिन होता वही है सब किए पर पानी फिर जाता है पता ना कब सुधरेगा ये, है ना कहा नहीं जा सकता चलिए डी और सी ए सी डी चारों उत्तर यहां पर आ रहे हैं ए सी डी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी है ना इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के कैटेगरी में इनको 2022 के पुल्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आप सबको पता होगा अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत से यहाँ पर कितने लोगों को तो चार लोगों को है ना मैंने नाम आप सबको बताया ही था एक है यहाँ पर अदनान आबीदी दूसरे हैं यहाँ पर इरसाद मट्टू तीसरे व्यक्ति हैं वो है अमित दवे और तीस चौथे हैं दानिश सिद्दीकी दानिश सिद्दीकी जो है इनको मरणोपरांत पुलज्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और तीन जो लोग हैं ये अभी जीवित हैं ठीक है ना तो चार लोग भारत से नाम याद रखना है है ना कई बार मैंने आप सभी के यहां पर रिवीजन करवाया हुआ है ठीक है ना आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न किस राज्य ने हाल ही में अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार की जांच के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की स्थापना की है व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली सेट अप एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टू चेक इलिसिट लीकर एंड ड्रग ट्रेड गुजरात झारखंड हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश बिहार तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता क्योंकि भैया बिहार में तो ऐसे ही शराब बंदी है बिहार में ऐसे ही शराब बंदी है तो यहाँ पर क्या ऐसा टास्क फोर्स है ना गठित किया जाएगा अब बताइएगा यहाँ पर सही उत्तर क्या है चलिए सेशन को लाइक आप लोगों ने बहुत कम किया हुआ है और जो व्यूवर्स हैं ये भी संख्या यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रही है चलिए ए के साथ सभी लोग जा रहे हैं अच्छा सी वाले भी हैं अधिकतर लोग जो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ हैं ठीक लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जो है गलत है अब थोड़ा सा सोचिएगा हम अपने बिहार की बात कर ले है ना ये हमारे यहाँ पर बिहार है ठीक और बिहार में क्या है शराबबंदी है ठीक है ना बिहार में शराब बंदी है लेकिन पीने वालों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है कितने बजे है मेरे तीन से पांच के लिए स्टूडियो की इतनी मारे तीन से पांच तक क्लास है लेकिन देखा जाए कल से मैं क्लास घर से ही लूंगा क्या उनकी क्लास है तो क्या करें तीन से पांच मेरी क्लास है मेरा टाइम देखिए चले स्टूडियो जो है है ना स्टूडियो अभी अगली क्लास है यहाँ पर ठीक है ना स्टूडियो अगली क्लास है तो अभी इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और जितना क्वेश्चन है इसके आगे से क्योंकि अब स्टूडियो की किल्लत यहाँ पर बहुत ज्यादा है तो कल मैं आ, पूरी क्लास जो है घर से ही लूंगा है ना कोई टेंशन नहीं आराम से दो तीन घंटे क्लासेज हम लोग करेंगे ठीक तो फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त मुझे करना पड़ेगा मजबूरी में अभी प्रश्नों की संख्या बहुत है और आराम से आपके दो घंटे तक मैं रिवीजन करवाता लेकिन बस कुछ अकारणवश मुझे यहाँ पर सेशन को समाप्त करना पड़ेगा ठीक है ना तो सब लोग एक बार सेशन को अवश्य ही शेयर कीजिएगा ये प्रतिदिन आपकी क्लासेस जो है तीन बजे से यहाँ पर चलती रहेगी कल भी हम आएंगे लेकिन कल तीन से पाँच तक उपस्थित मैं रहूँगा आज स्टूडियो जो है वो खाली नहीं है अगली क्लास राजस्थान पी के लिए है तो उसके लिए सर जो है यहाँ पर खड़े हैं ठीक है ना ठीक है तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं कल सुबह सात बजे सात बजे सब लोग उपस्थित हुएगा फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद